बिग बॉस के घर के अंदर बाहर निकलने से पहले अदनान शेख ने ये कहा कटारिया को कि भाई कुछ हुआ तो माफ करते हैं, यही की बात यही को रखते हैं और अब कुछ नया करते हैं। यानी कि अपनी ओर से दुश्मनी भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए अब नजर आ रहे हैं अदनान, ये उनकी बात को सुनकर लगा। लेकिन जैसे ही बिग बॉस के घर से बाहर निकले तो अपने दोस्त एक्चुअली दोस्ती कहेंगे कि उन्होंने कटारिया और कटारिया के दोस्त एल्विश के अगेंस्ट वीडियो बना दी, गमला चोर कहकर उन्हें खरी खोटी सुना दी। ये कह दिया कि भले ही मैं शो के अंदर एक हफ्ता था लेकिन मैं तो शेर बनकर रहा, मेरे से तो हर कोई डर भी गया और जो बाहर मेरे बारे में उल्टी सीधी बात कर रही हैं, वीडियो बना रही हैं, उन्होंने क्या उल्टा सीधा कहा है उन्हें भी जवाब मैं रेस्ट करने के बाद जरूर दूंगा। आखिर अदनान का वो वीडियो क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। बहुत सारे नकली गैंगस्टर लोग की आवाज़ भी बहुत निकली है, तो अभी एक एक का उतारा लेऊंगा, सबका टोटल होगा, सबका हिसाब किताब होगा। सिस्टम को हैंग करना है अभी, बहुत जो बड़ी बड़ी बातें आके की है ना कि किसको क्या इलाज की जरूरत है, तो अभी आके सबका एक एक का इलाज करेंगे। तो अभी थोड़ा देख लेता हूँ कि कितनी बातें हुई हैं, बहुत सारे वीडियोज़ बने हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से देख लेता हूँ फिर एक बार में लेंगे उतारा। सिस्टम हैंग अदनान तो यहाँ पर बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 से बाहर निकलकर एविक्शन के वीडियो पर भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि कटारिया अगर चाहेगा तो वो उनसे दोस्ती निभा लेंगे बिग बॉस के घर के बाहर, क्योंकि वो भले ही एक आग लेकर कटारिया के अगेंस्ट बिग बॉस के घर में गए थे लेकिन कटारिया बहुत स्वीट इंसान है, उसने कुछ गलत नहीं किया तो इस वजह से लड़ाई भी नहीं हुई, कोई आग भी आग बबूला नहीं हुई। तो आखिर दुश्मनी वो खुद अपनी तरफ से जब खत्म करने की बात कर रहे हैं तो आखिर क्यों एल्विश के अगेंस्ट उन्होंने गमला चोर कहते हुए ये वीडियो बनाए, ये तो वही जानते होंगे। वेल आखिर आपने अदनान को उनके इस जर्नी में कितना सपोर्ट किया है और आगे कितना करने वाले हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लेके बताएगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब के बनाओ बिल्कुल भी ना जाएं।